वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन तड़का। तो आज हम बनाए जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी लच्छे पराठे। तो बिना देरी किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 कटोरी आटा, 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल और 1 चम्मच नमक। और 1 ग्लास पानी। अब हम आटे में, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिफाइंड तेल मिला चुके हैं, नमक मिला चुके हैं और हम इसे आटे को गूंथेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आटे का डो लगभग तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आटे का डो तैयार हो गया है। अब इसे आप 10 मिनट के लिए रख दें। अब हम 1 कटोरी में 2 चम्मच मक्खन लेंगे। और हमें चाहिए 1 कटोरी कटा हुआ धनिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बटर को स्क्वीज़ कर रही हूँ ताकि वो जल्दी पिघल सके। अब हम बटर में डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च और फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने इसमें अजवाइन और लाल मिर्च इसलिए डाले हैं क्योंकि हम लोग के पास ओरिगैनो और कुटे हुए लाल मिर्च थे नहीं क्वारंटाइन के चलते, इसीलिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया हुआ है। पर अगर आपके पास हैं तो आप उसी का यूज़ करें। अब हमारा डो भी रेडी है और साथ में ये हमारी फीलिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब डो भी एकदम रेडी हो चुका है। अब हम एक लोइया लेंगे, रोटी की तरह बेल लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोटी मैंने बेल ली है। अब हम इसमें बटर अप्लाई करेंगे। चारों ओर अच्छे से। बस में थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आप फोल्ड कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। आपने देखा, मैंने रोल करने के बाद
इसे फिर से अच्छे से बेल दिया है, अब हम इसे तवा पे चढ़ा देंगे। चारों तरफ तेल लगा के अच्छे से इसे सेक लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा लच्छा पराठा एकदम तैयार हो गया है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है। इसे आप किसी भी चटनी, सब्जी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिल्कुल।